नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ श्लोक बताए थे जो इस्तेमाल होते हैं मारक खंड में और जो हमेशा देखने चाहिए कुंडली के अंदर। जब आपको लगे कि कोई आदमी बीमार है, कोई दातक बहुत परेशान हालत में है, तो वो दशाएं जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो मैंने आपको 12 श्लोक करीब बताए थे और टोटल मिला के ये 19 श्लोक हैं जिनको देखना जरूरी है। तो उधर बाकी 7 श्लोक रह गए हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपको पूरा मारक खंड का आइडिया रहे। यही 19 श्लोक पूरे मारक खंड में लगते हैं। जब भी मारक खंड देखना होगा या जब भी कोई मृत्यु होती है तो आप चेक कीजिएगा कि मारक खंड आपको लगा मिलेगा। तो आगे चल समय वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और मैं इसको स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ अपना ताकि आपको आइडिया हो जाए। पारादश श्लोक हमने बता दिया था कि छठे स्थान में पड़े हुए पापी ग्रह की दशा में अष्टमेश की अंतर दशा हो, यानी छठा स्थान में कोई पापी ग्रह हो, सूर्य मंगल शनि राहु केतु हो, और उसमें अष्टम के स्वामी की अंतर दशा हो तो वो मृत्यु देती है। यहां तक हमारा टोटल कवर हो गया था। अब 13वां श्लोक हमारा जो है वो ये है, षष्ठ स्थितस्य पापस्य दशा काले वदन्ति हि अष्टम स्थित रंध्रेशे भुक्ति कालो हि मार्गे। यानी षष्ठ स्थितस्य यानी छठे भाव में पापी ग्रह हो, षष्ठ स्थितस्य पापस्य दशा काले छठे भाव में स्थित किसी पापी ग्रह की दशा हो और अष्टम में पड़े अष्टमेश ही की अंतर दशा हो और अष्टम स्थित रंध्रेश यानी आठवें भाव में स्थित अष्टमेश की ही अंतर दशा हो तो भी मारक सिद्ध होता है। आई रिपीट, यदि छठे भाव में कोई पापी ग्रह है उनकी अंतर दशा महादशा हो और अष्टम में पड़े हुए अष्टमेश की एट लॉर्ड की वो अष्टम में होना चाहिए लेकिन अंतर दशा हो तो वो मारक सिद्ध होती है। 14वां श्लोक है, अष्टम स्थित पापस्य दशा काले वदंती ही अष्टम स्थित पापस्य यानी अष्टम भाव में बैठे हुए पापी ग्रह की दशा काले पापी ग्रह की दशा में अष्टम में स्थित बैठे हुए पापी ग्रह की दशा में षष्ठ स्थित से पापस्य यानी छठे स्थान में स्थित पापस्य की अंतर दशा में मारक सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल सिंपल है, अष्टम स्थित पापस्य दशा काले यानी आठवें भाव में बैठे हुए पापी ग्रह की दशा काल में षष्ठ स्थितस्य पापस्य भुक्ति कालो छठे भाव में बैठे हुए पापी ग्रहों की अंतर दशा ही मारक सिद्ध होती है। तो ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है कि आठवें में कोई पापी ग्रह बैठा है उसकी महादशा है और छठे में कोई पापी ग्रह बैठा है उसकी अंतर दशा है तो भी मारक सिद्ध होती है। ये आपको ध्यान रखना है नॉर्मल वे में। 15वां श्लोक है, बुध शुक्रो पंचम स्थान वन्य नो मारो संतो बुध दाये ते शुक्रस्तु शुक्र दाये बुधस्ता। ये क्या मतलब हुआ इसका? यदि बुध और शुक्र पांचवें भाव में इकट्ठे हों, बुध शुक्रो पंचम स्थान वन्य नो, यदि बुध और शुक्र पांचवें भाव में इकट्ठे हों तो शुक्र बुध की दशा में और या बुध शुक्र की दशा में मारक सिद्ध होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि यदि बुध और शुक्र पांचवें भाव में इकट्ठे हों तो उनकी दशा अंतर दशा में यानी शुक्र की महादशा हो बुध की अंतर दशा हो या बुध की महादशा हो शुक्र की अंतर दशा हो वो मारक सिद्ध होती है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला है। यहाँ पर पहली बार पांचवें भाव का रोल आया है जब कोई ग्रह पांचवें भाव में बैठ के भी मृत्यु दे सकता है। तो बुध और शुक्र पांचवें भाव में इकट्ठे बैठे होने चाहिए तो उनकी दशा अंतर दशा भी आपस में मारक सिद्ध हो सकती है, उस दशा में भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। 16वां श्लोक हमारा क्या कहता है, क्रूराधिपत्य युक्तस्तु कुजे पंचमगो यदि कुजदाये तु संप्राप्ते करोति निधन कुछ। क्या मतलब हुआ इसका? क्रूराधिपत्य यानी क्रूर ग्रह का अधिपत्य पापी भावों का स्वामी होकर पापी भाव का स्वामी क्रूर आधिपत्य पापी भाव का स्वामी होकर मंगल पंचम भाव में स्थित हो, कुछ माने मंगल होता है, पंचमगो यदि लिखा है पंचम भाव में स्थित हो तो वह अपनी दिशा में मृत्यु देता है। देखिए कितनी पांचवें भाव का भी कितना रोल इसके अंदर आ रहा है। अभी तक सारा रोल छठे और आठवें और दूसरे भाव का चल रहा था लेकिन लास्ट के श्लोक में पांचवें भाव का रोल आया कि उसमें लिखा था कि बुध और शुक्र पांचवें भाव में हो तो वो एक दूसरे की दशा अंतर दशा में मृत्यु दे सकते हैं।
यहाँ भी ये आया है, यदि पापी भावों का स्वामी होकर मंगल पंचम भाव में स्थित हो, पापी भावों का स्वामी होकर मीन्स तीसरे छठे भाव का स्वामी हो या पहले आठवें भाव का स्वामी हो, मतलब उसके अंडर में पाप भाव होने चाहिए। मंगल जब कुंडली के अंदर अकारक के रूप में योग कारक ग्रह ना हो, उसके पास पापी ग्रह हो और वो पांचवें भाव में स्थित हो तो अपनी दशा में मृत्यु देता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 17th श्लोक मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर अधिकार चुंबो मदो मार्ग ग्रह संयुत अतीत बलवान मृत्यु मार्गो प्रबल स्मृत है। शनि यदि शुभ भावों का स्वामी भी हो, यदि शनि के पास, मान लिया आपके पास शनि है, शनि कुंडली में दोनों राशि एक दूसरे के साथ ही आती हैं, तो शनि अगर मान लिया चौथे और पांचवें भाव का स्वामी है तो दोनों शुभ भाव हैं, एक केंद्र भाव है, एक त्रिकोण भाव, लेकिन मारक ग्रह के साथ स्थित हो तो अपनी दशा में मृत्यु दे देता है। शनि यदि शुभ भाव का स्वामी भी हो परंतु मारक ग्रह के साथ स्थित हो तो अपनी दशा मुक्ति में मृत्यु देता है। ये एक श्लोक है। 18th श्लोक हमारा कहता है लग्नस्थे रंध्रनाथस्य दशा काले तु मार्गे रंध्रेशे एव भवतित्या उज्जार्तक कोविद। मतलब अष्टमेश लग्न में स्थित हो, अष्टम भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, रंध्र भाव बोलते हैं अष्टम भाव, रंध्रनाथस्य लग्नस्थ यानी कि अष्टम भाव का स्वामी लग्नस्थ हो, लग्न में बैठा हो, तो उसकी दशा भी मारक सिद्ध होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बाई चांस मेरे पे 18 ही श्लोक हैं, लेकिन इसमें एक श्लोक और है मार्गखंड में, वो मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको उसका अर्थ आप लिख लीजिएगा। श्लोक तो शायद देख लीजिए अगर आप लिख पाए तो। उसमें वो कहता है द्वे यत्राणाम पुत्राणाम संप्राते राहु दायके पितु निधनम मित्याहुस्त दशा मध्य एवं छे। इसमें कि वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के दो या तीन संतान हो, यदि किसी व्यक्ति की दो या तीन संतान हो और उन सब संतानों की दशा एक समय में ही राहु की दशा चल रही हो तो उसमें पिता की मृत्यु हो सकती है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। किसी घर में दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों, अगर उन दोनों की दशा राहु की चल रही है या उन तीनों की दशा राहु की चल रही है तो भी पिता के लिए मारक सिद्ध होता है। ये एक लास्ट श्लोक है, तो इसको इन चीजों को बड़ा ध्यान से आप जब भी कुंडली में देखें तो कुंडली में एक बार ये दशाएं जरूर चेक कर लें। 19 श्लोक हैं, 19 फार्मूले हैं, 19 फार्मूले को चेक करने में आपको 5 मिनट लगेंगे। आप जस्ट एक बर्ड आई व्यू करके इनको देख लीजिए, अगर आपको लगता है कहीं मारक खंड है तो जातक से कहिए कि भाई सावधान रहने की आवश्यकता है और कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।